कांग्रेस में भूचाल, राहुल गांधी को हुई 2 साल की जेल। कांग्रेस ने राहुल से कहा, डरो मत। क्या अब खत्म हो जाएगा राहुल का राजनीतिक करियर? क्या सांसदी भी होगी खत्म? क्या नहीं लड़ सकेंगे अब चुनाव? काश राहुल ने नहीं बोला होता 2019 में मोदी को ये बात, राहुल ने नहीं फाड़ा होता विधेयक, तो बच जाते आज। इस देश में लोकतंत्र का गला किसी के विरुद्ध बोलना कितनी अब मुश्किल है, ये कह सकता हूँ कि एक साजिश के तहत देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी को 2 साल की सूरत की कोर्ट में सजा दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हम सब इसकी निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय। क्या इस देश में किसी के खिलाफ बोलना जुर्म है? लोकतंत्र में आवाज उठाना जुर्म है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिटलर शाही पर उतरे अध्यक्ष महोदय। हम सब इसकी निंदा करते हैं, ऐसी सरकार की निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय। हिटलर शाही चलने नहीं देंगे, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा परिवार जिसने लोकतंत्र की बुनियाद रखने का प्रयास किया पंडित नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक, जिसके एक लोग समर्पित हो गए देश के लिए, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उनकी हत्या की गई, लोकतंत्र की एकता अखंडता को उन्होंने मजबूत किया। आज गरीबों की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या। अध्यक्ष महोदय, ऐसे विषय पर हम चुप नहीं रह सकते। लोकतंत्र जिंदा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान देना पड़ गया भारी। साल 2019 में राहुल ने मोदी को बताया था चोर, उससे पहले बोला था चौकीदार, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी में राहुल भूल गए, मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है। अब उन्हें इतिहास की गलती की सजा 5 साल बाद मिल रही है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है। राहुल के लिए बुरी खबर ये हो सकती है कि साल 2024 चुनावी साल है, उससे पहले जेल का मतलब हुआ नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। क्या अब राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म माना जाए? क्या कहता है नियम, ये आगे बता रहे हैं। उससे पहले ये जानिए, कौन से विधेयक को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था जिसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। खुद राहुल ने अपने हाथों से फाड़ा था विधेयक, पर कहां मालूम होगा राहुल गांधी को उस विधेयक की जरूरत भविष्य में उन्हें पड़ जाएगी। दरअसल 2013 में कांग्रेस की सरकार के समय एक विधेयक लाया गया था, जिसके मुताबिक सजा पाने वाले नेताओं को 3 महीने का वक्त दिया जाता, यानी 3 महीने तक उनकी विधायकी या सांसदी नहीं जाती। विधेयक आने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, ये क्या बकवास विधेयक है, इसे फाड़ देना चाहिए, और कहते कहते फाड़ दिया था। अगर आज वो कानून बनता तो राहुल गांधी को 3 महीने का समय मिलता, मगर अब अगर राहुल जेल जाते हैं तो उनकी सांसदी चली जाएगी। नियम कहता है किसी भी विधायक या सांसद को 2 या 2 साल से अधिक सजा होने पर उनका पद समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हाल में अपने लालू यादव, झारखंड के रामगढ़ की विधायक रही ममता देवी, बंधु तिर्की, इनके मामले में भी ऐसा देखा होगा, इन पर भी यही कानून लगा था। अब बात की जाए आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि उन्हें 2 साल की सजा हो गई। ये मामला 2019 का है, जब वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है। राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। उन्हें फिलहाल 1 महीने की जमानत दी गई। राहुल गांधी फैसले के खिलाफ इस बीच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बता दें, दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा, मैं सच बोलता हूं और बोलता रहूंगा। जबकि प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि उनका भाई झूठ नहीं बोलता। इधर भाजपा कह रही है राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में है, वे लोकतंत्र की कटघरे में आकर भी माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की तस्वीर साझा कर लिखा है, डरो मत। राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ था, उन पर मोदी टाइटल लगाने वाले सभी लोगों की बेइज्जती करने का दोष सिद्ध हो गया। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। दोषी करार दिए जाने से राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा बन गया है। अगर अदालत का फैसला कायम रहा तो उनकी सांसदी जा सकती है। फिलहाल देखना यह है कि राहुल गांधी उच्च न्यायालय जाते हैं तो वहां क्या फैसला आता है।